ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। बाहुबली क्यों बनी फिल्म में प्रभास के सिलेक्शन का कारण, क्यों अलग होगा आदि पुरुष का कैरेक्टर और क्यों नहीं है फिल्म में किसी भी गलती की जगह। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक नई और खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की आने वाली फिल्म आदि पुरुष की। दोस्तों बता दूं कि फिल्म को 400 करोड़ रुपए के मेगा बजट के साथ बनाया गया है और इसे हिंदी के अलावा कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मेगा बजट फिल्म को भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं और हर किसी को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म को तानाजी फेम डायरेक्टर ओम राउत बना रहे हैं और इस फिल्म में कृति सानन जहां सीता माँ यानी कि जानकी के रोल में नजर आने वाली है, वहीं दोस्तों प्रभु राम का किरदार बाहुबली फेम प्रभास प्ले करते नजर आने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रभास फिल्म के लिए मिस्टर परफेक्ट क्यों है? दोस्तों आपको बता दूं कि प्रभास का एक ऐसा कैरेक्टर है जिन्होंने अपने शुरुआती फिल्मों से अपनी लवर बॉय की इमेज सेट करके रखी थी। उनकी हर फिल्म में हमने उनको मॉडर्न डे हीरो के तौर पर उभरते हुए देखा है। लेकिन जब 2016 में एसएस राजामौली ने प्रभास स्टारर फिल्म बाहुबली को रिलीज किया था तो उस फिल्म को देखने के बाद लोगों की नजर में प्रभास की एक नई इमेज बन चुकी थी। फिल्म के रिलीज के बाद प्रभास के पैन इंडिया स्टार बनते ही उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ। इस पॉपुलैरिटी के कारण आज उनके पास आदि पुरुष जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। वहीं दोस्तों फिल्म बाहुबली के दूसरे पार्ट के रिलीज होते होते प्रभास लोगों की आंखों में बस चुके थे। ये फिल्म उनकी पहली हिस्टोरिकल फिल्म थी जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाई थी। अब प्रभास एक बार फिर कुछ ऐसे ही किरदार में नजर आएंगे फिल्म आदि पुरुष में। फिल्म के मेकर्स ने प्रभास को इस फिल्म के लिए इसलिए ही चुना होगा क्योंकि फिल्म बाहुबली में उनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आदि पुरुष में प्रभास की एंट्री का सबसे बड़ा कारण है फिल्म बाहुबली। अब दोस्तों इस बार क्योंकि प्रभास प्रभु राम के रोल में नजर आने वाले हैं तो इसमें बाहुबली का कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला है, क्योंकि बाहुबली का कैरेक्टर थोड़ा सा अग्रेसिव था लेकिन श्री राम का किरदार बिल्कुल शांत होने वाला है। राम के किरदार को निभाने के लिए प्रभास ने बहुत मेहनत की है क्योंकि ये भगवान का कैरेक्टर है जिसमें थोड़ी सी भी गलती होने पर ऑडियंस का भयानक रूप देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हर बार ऐसा होता आया है कि भगवान पर बनी फिल्में या कंट्रोवर्सी का शिकार होती हैं या लोगों के दिल पर राज करती हैं। देखना तो ये होगा कि ये फिल्म लोगों पर अपनी कैसी छाप छोड़ने वाली है। आदि पुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण से इंस्पायर्ड है। फिल्म में बाहुबली फेम प्रभास आदि पुरुष के रोल में है तो वहीं सैफ अली खान मुख्य विलन रावण का किरदार निभाएंगे। दोस्तों फिल्म में कृति सानन सीता के रूप में दिखाई देंगी और इनके अलावा फिल्म में देवदत्त नागे और सनी सिंह भी नजर आएंगे। फिल्म को अगस्त 2022 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। तो अब आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्रभास इस रोल को कितनी खूबसूरती से निभा सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है अनामिका गुप्ता।